हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। और आज मैं आपके सामने लाया हूँ कक्षा दसवीं का दूसरा चैप्टर का प्रश्नावली एक का तीसरा क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन ये कहता है कि एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये था। तो हम इसको क्या करना है, हमको इसका समीकरण बनाना है। तो हम इसको समीकरण बनाने के लिए क्या लिखेंगे कि हम लिखेंगे 1 किलोग्राम सेब की मूल्य, उसको हम लिखेंगे x रुपए है, तथा क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए है, ऐसा हम मानेंगे। ठीक है, अब ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहां देखिए 2 किलोग्राम, जैसे आप 1 किलोग्राम लेंगे तो आपको कितना मिले, कितना देना पड़ेगा, कितना रुपए देना पड़ेगा, x रुपए। और यदि 2 किलोग्राम लेना पड़ेगा तो लोगे तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, 2 का 1/7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप लिखेंगे समीकरण जो होगा, है ना, प्रश्नावली प्रश्नानुसार का जो समीकरण होगा वो 2 किलोग्राम सेब, है ना। यहाँ पे आप लिखेंगे 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर बराबर कितना रुपए आपको देना पड़ेगा, 160 रुपए देना पड़ेगा। तो ये 2 किलोग्राम सेब का 2 और लिखोगे कितना रुपए, 1 में हम 100 रुपए, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और लिखा है तो उसके जगह प्लस लिखिए। फिर आप लिखेंगे 1 किलोग्राम अंगूर, तो 1 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, y का, ये तो हमने लिखा है 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y है, तो यहाँ पे y लिखेंगे। अब बराबर में कितना रुपए टोटल देना पड़ रहा है, 160 रुपए। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा, उसी साथ ही बोला गया है दूसरे तरीके से। तो 4 किलोग्राम सेब, यहाँ पे आप लिख लेना 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना देना पड़ रहा है हम लोग को, 300 रुपए। तो देखिए 4 किलोग्राम सेब, तो 4 किलो, 1 किलोग्राम सेब का x है, और 4 किलोग्राम में आपको क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/7 में, तो आप लोग क्या हो जाएगा, 4 और 1 से करोगे तो पूरे 4 किलोग्राम x का मूल्य पता चल जाएगा। फिर वह बोला है तो आप प्लस कर दीजिए। फिर 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, तो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, y है, तो 2 किलोग्राम में क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2y = 2, ये हो जाएगा 300। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो इस तरीके से इसको समीकरण बनाना है स्टूडेंट, और इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, अब देखिए, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। ठीक है, और अब 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो ऐसा बोला, तो हम इसको समीकरण
कैसे बनाएंगे, समीकरण के रूप में इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या समझते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो नरेश की वर्तमान आयु है उसे एक्स मान लेते हैं। क्या मानते हैं पहले, माना कि नरेश की वर्तमान आयु प्रारंभ में जो चल रहा है उसको पहले वाई मान लेते हैं, और उसकी पुत्री की जो वर्तमान आयु है उसे हम क्या मानते हैं और लिखते हैं यहां, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु एक्स है, ठीक है, एक्स है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अब हम क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान दीजिए कि नरेश ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 7 साल पहले, तो यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं, ध्यान दीजिए 7 साल पहले, मतलब पहले अभी जैसे हमारे पास अभी 2020 चल रहा है, और 7 साल पहले मैं बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 20 में से 7 को घटाऊंगा, कितना आएगा, जैसे मैं 20 में से 7 को घटाता हूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास जैसे 20 में से 7 को घटा दिया जाए तो होगा 2013। तो ऐसी क्या करेंगे, y जो है वर्तमान आयु, और y में से हम 7 को घटाएंगे तो हमको पता चल जाएगा 7 साल पहले क्या था नरेश की आयु, है ना। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, y माइनस 7 करने वाले हैं, 7 साल पहले नरेश की जो वर्तमान, नरेश की जो आयु रही होगी उसमें y माइनस 7 करेंगे, तो पहले है ना जो हो चुका था वो है ना वो होगा, अब बोलेंगे तो y माइनस 7 होगा। अब ये जो y माइनस 7 है, मतलब 7 साल जो आयु थी नरेश की वो क्या थी, देखिए तुम्हारी आयु की मतलब अपनी पुत्री की आयु से कितनी थी, 7 गुना थी, तो पुत्री की आयु में 7 का गुना कर दीजिए, पुत्री की आयु क्या है x है, तो उसमें हम 7 का गुना कर दिए, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, 3 साल बाद, जैसे मेरे अभी 2000 क्या चल रहा है, 20 चल रहा है, अब 3 साल बाद मैं बोलूंगा तो 23 होगा, 2023 होगा, है ना, मतलब 3 साल बाद में मैं 3 को जोड़ूंगा, है ना। तो ऐसे ही मैं बोलूंगा यहाँ पे 3 साल बाद जो होगा मेरी आयु मतलब ये जो y की जो बोल रहे हैं ना, y की जो आयु है, मतलब y की जो आयु है, y मतलब यहाँ पे वर्तमान आयु, इसकी नरेश की वर्तमान आयु y है। अब 3 साल बाद क्या होगा, 3 जोड़ दो इसमें, वर्तमान आयु में 3 जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा y प्लस क्या हो जाएगा 3, तो y प्लस 3 जो होगा वो क्या हो जाएगी, तुम्हारी आयु का 3 गुना, तो 3 गुणित x ऐसे करेंगे, ठीक है। एक से क्यों, क्योंकि यहाँ पे पुत्री की जो आयु होगी उसकी 3 गुना होगी, तो पुत्री की आयु मैंने क्या लिखा है, x लिखा है। तो ऐसे हम समीकरण बनाएंगे, ठीक है, समझ में आया होगा स्टूडेंट आप सभी को। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा स्टूडेंट। और आपने आने वाले वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं स्टूडेंट, तो आप एक बार अच्छे से एक बार इसको पढ़ के देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू स्टूडेंट।